नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैसा रहा सफर? रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं दादी माँ। चलो अंदर। देखो प्रिया, एक बात का ध्यान रहे, इस घर की तुम अकेली वारिस हो। जब यहां से गई थी 7 साल की थी, अब तुम बच्ची नहीं रही। आंखों के सामने रहोगी तो दिल को सुकून मिलेगा। तुम्हारे मम्मी डैडी होते तो मुझे कोई चिंता ना होती। अब तुम इसी शहर में पढ़ोगी। ठीक है दादी माँ, जैसे आपकी मर्जी। एक्सक्यूज मी, प्रिंसिपल साहिबा का ऑफिस कहाँ है? जी उधर है। ओह थैंक यू। गुड मॉर्निंग रजनी जी। गुड मॉर्निंग प्रतिमा जी, आप और यहाँ, कितने सौभाग्य की बात है। आइए। थैंक यू। आइए बैठिए। मैं प्रिया के एडमिशन के लिए आई हूँ। इतनी सी बात के लिए आपने क्यों तकलीफ की? एक फोन ही कर दिया होता। नहीं रजनी जी, हर काम का एक प्रोसीजर होता है। इस काम के लिए तो मुझे ही आना चाहिए था। वाह प्रतिमा जी, आप वाकई एक आदर्श नारी हैं। आप इस फॉर्म पर साइन कर दीजिएगा, बाकी फॉर्मेलिटीज मैं पूरी कर दूंगी। Bobby! 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 Bobby!
साइलेंस प्लीज, साइलेंस। आप लोगों में और कोई है जो बॉबी से मुकाबला करना चाहता हो? First round begin. ये कोई तरीका उठाने का? भैया, रोज मैं जगाती हूँ तो तुम खुश होते हो और आज नाराज हो, क्या बात है भैया? नहीं पगली, मैं तो यूं ही कह गया, लेकिन तुझे अभी आना था, थोड़ी देर के बाद नहीं आ सकती थी? क्यों भैया, अब क्या बिगड़ गया? वो तू नहीं समझेगी। अच्छा तू चल, मैं आता हूँ। ठीक है भैया, लेकिन जल्दी आ जाना। ये लो, आ गया ना मैं जल्दी। ये लीजिए, हमने आपका भी ऑमलेट बना दिया है। क्या बात है? और आपका भी ऑमलेट बना दिया है। ये लो भैया, आप हर रोज पहला निवाला मुझे क्यों खिलाते हो? माय लिटिल डार्लिंग सिस्टर, जब तक तुम्हें नहीं खिलाओ तो भला मैं खा सकता हूँ? गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, ये बहना भैया की जोड़ी सलामत रहे। मालकिन के स्वर्गवास के बाद बिटिया रानी को माँ बाप और भाई का प्यार तुम्हीं ने दिया है विक्की बाबा। साहब तो दूसरी शादी करके अमेरिका में जाके बस गए। पहले पहले तो कभी कभार उनकी फोन चिट्ठी आया करती थी, लेकिन अब तो वो भी आनी बंद हो गई है। साजन,
शायद आजकल डैडी को फुर्सत ही ना मिलती हो। अब ऐसा भी क्या काम विक्की बाबा जो अपने औलाद से बढ़कर हो। डैडी हमें भूले नहीं है साजन, वो तो हर महीने हमें 20,000 रुपए भेजते ही हैं। लेकिन आदमी के लिए पैसा ऐसा कुछ नहीं होता बिटिया रानी। हाँ साजन, दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तू क्यों जी छोटा करिए पगली? अरे मैं जो हूँ तेरे लिए। हाँ भैया, मेरे सब कुछ तो आप ही हो, आप ही के दम से तो मेरे होठों पर मुस्कान है। भगवान करे तू सदा हंसती रहे और तेरे खुशी के सूरज को कभी ग्रहण ना लगे। नमस्ते माँ जी। जानता है बीड़ू, ये ठेला अपुन अनाथ को किसने दिया है? अयो किसने जी? प्रिंसिपल माँ जी ने। वो चाहती है वो अपुन को। अयो जैसे आप मुझको चाहती। अरे तेरी तो। हाय बॉब। बॉबे। क्या बॉब, कल बॉक्सिंग कंपटीशन का ट्रॉफी अपुन तेरे हाथ में देखने को मांगता था यार। एक दिन उस साले वेकी को ऐसे हराऊंगा कि जमीन चाटते रह जाएगा साला हरामजादा। वो दिन जरूर आएगा। अरे उस दिन अपुलक धमाल पार्टी करेगा। पार्टी क्या यार, जो चाहिए मांगो मिल जाएगा। ये भी ना बात, दिल वाले तो बहुत से देखे मगर तुझ जैसा दिल वाला नहीं देखा। ए शक्ति, हम यारों के यार हैं, दोस्तों के दोस्त हैं। क्या बात है। चल फिर चलता हूँ। सी यू इन द इवनिंग। डन, चल मिलते हैं शाम को। ओके। अरे देखो विक्की आ गया। हाय, बधाई हो विक्की। थैंक्स, थैंक्स यार। बॉक्सिंग ट्रॉफी मुबारक हो विक्की, मुबारक हो। थैंक्स, बधाई हो। हाय विक्की। थैंक्स। अरे राजू कहाँ है? आता ही होगा। चल अंदर चलते हैं। अबे ये साल का नया बैच तो कमाल का है। वो कहते ना बिड़ू, जब पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं तो नए फूल खिल उठते हैं। अरे वाह बेटा, बड़ी दूर की बात करने लगा है। हाँ। अरे विक्की वो देख, नया बुलबुल लगता है। अबे वो देखो बुलबुल लगता है। मेरे ख्याल से वो तो अच्छा खासा हाथी लगता है। चलो उसकी खिंचाई शुरू करते हैं। चल। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब। चल 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 मेरे हाथी, मेरे साथी। अबे ओ, क्यों कॉलेज में नए आए हो क्या? जी भैया, आज ही एडमिशन लिए है। हाँ, तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि ये तरबूज जैसा मुखड़ा मैंने पहले तो कभी नहीं देखा। जी कहाँ से आए हो? जी झुमरी तलैया से। वाह, तभी तो झुमरू की तरह लग रहे हो। अच्छा तो झुमरू जी, कौन सी क्लास चाहिए आपको? जी बीए सेकंड ईयर। वो तो उधर है। क्यों सता दो बेचारे को, देखो ना कितना मासूम चेहरा है इसका, है ना। देखिए आप एक काम कीजिए, यहाँ से सीधा जाइए और वो जो आखिरी दरवाजा है ना, बिना सोचे समझे उसमें घुस जाइए, वही तो आपकी क्लास है। सर दैट लास्ट वन। हाँ लास्ट वन। हाँ थैंक यू भैया। अरे अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मजे कीजिए। थैंक यू भैया। काम से। गुड मॉर्निंग सर। हे यू स्टूपिड, ये क्या क्लासरूम है? क्या पता ये कौन सी पढ़ाई पढ़ने आया बेचारा। सॉरी मिस, आई एम वेरी वेरी सॉरी। आप जाते भी हो या ताजपोशी का प्रबंध करे? अरे अरे जाने भी दे कोमल, देख नहीं रही कितना चिकना और कितना क्यूट है। बाय। मेरी माँ। माँ? कहाँ फंस गया मैं? कई लोग मिलकर मेरी इज्जत थोड़ी लूट लेंगे। यू ऐसे क्यों डरते हो जानी? तुम कोई आइसक्रीम तो नहीं हो कि छूते ही पिघल जाओगे? देखो मैं चिल्लाऊंगा, मैं चीखूंगा, आई विल शाउट। हाँ हाँ चिल्लाओ, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। देखो प्लीज प्लीज हमको माफ कर दो, हम बिल्कुल कुंवारा हूँ। चलेगा, हम भी तो कुंवारे हैं। ओ किरण, अब जाने दे से, वैसे भी शक्ल से बेचारा बेवकूफ लगता है। तू बैठ। तो हाँ कौन सी पढ़ाई पढ़ोगी तुम? महाभारत है। मेरा मतलब बीए सेकंड ईयर।
हे बजरंग बली, पार करो दुश्मन की गली, चल बेटा निकल ले। हाय एवरीबॉडी, क्या बात है भाई, सब लोग इतना हंस रहे हो, क्या हुआ? अरे नहीं यार, आज एक नए बुलबुल की ऐसी रैगिंग की तू सुनेगा तो उछल पड़ेगा। उछल पड़ूंगा, ये ले मैं उछल गया। अब सुना, वो पूछा था कि क्लासरूम कहाँ है और उसको हमने लेडीज टॉयलेट में भेज दिया क्लास के बजाय। अरे यार ऐसी रैगिंग तुम लोग मेरी क्यों नहीं करते हो? मेरी भी बड़ी अरमान है कि मैं लेडीज टॉयलेट में कभी तो घुसूं। बस बस तेरा भी नंबर लगने वाला है। अरे राजू, ये वही है ना कल वाली? बिल्कुल, ये वही है जिसने कल प्यार से तेरे गाल पर अपना ऑटोग्राफ दिया था। वाह, क्या कयामत है। इतना जल्दी उसको घास मत डाल वरना भाव खाने लगेगी। अभी तो क्या बोल रहा है? अम्मा बंदर की तरह मत उछल, मिल जाएगी मिल जाएगी, सबर कर गुरु सबर कर। शहजादे सलीम को अपना रोको वरना बगावत हो जाएगी। नहीं शहजादे सलीम नहीं, तुझे तेरे इन चमचों की कसम। अभी नहीं अभी नहीं। ऐसी बात है, चलो तुम लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। हाय विकी। कौन है आप? अजी हम तो वही है, कल ट्रॉफी जीतने पर आपको ऑटोग्राफ दिया था। नहीं मेरा मतलब है कि आपने ऑटोग्राफ दिया था या लिया था? वो भी भूल गए? चलो कोई बात नहीं, शायद हम ही गलत ट्रैक पर आ गए। हाय बॉबी। हेलो बॉबी। हाय गॉर्जियस, हाउ आर यू? आई एम प्रिया। प्रिया कितना प्यारा नाम। अबे मरवा दिया ना, मुझे लगता है वो नाराज हो गई, कहीं है वो उस घनचक्कर बॉबी की ना हो जाए। फिकर नॉट, वो लड़की सिर्फ तुझे ही मिलेगी, ये बॉबी टॉबी लॉबी ये सब तुझे जलाने के लिए है। प्रिया क्यों ना हम दोनों कहीं कॉफी पीकर बातें करें। फिर कभी। ओके बाय। बाय गॉर्जियस। हाय हैंडसम। तेरे को बुला रही है? मेरे को बुला रही है? इस बंदर को नहीं, तुम्हें। नहीं नहीं मुझे। हाँ हाँ तुम्हें। मुझसे क्या काम है? अरे बहुत कुछ काम है, रुको तो सही, ये लो। ये क्या? हमारा दिल है, जरा ध्यान से रखना। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा दिल, तुम खुद ही संभालो। यू भावना खाओ जाने मन। ये बाय सी यू। हाय बेब, सुना आजकल तुम हाथों में दिल लेकर विकी के पीछे घूमती हो, वो दिल हमें दे दो जाने मन। बॉबी अपनी हद में रहकर बात करो। तुम्हें अंदाजा नहीं कि बॉबी की हद कहां तक है। अरे हाँ, तुमने एक बार मुझे कॉफी का वायदा किया था, याद है? वो तो मैंने विकी को जलाने के लिए किया था, भूल जाओ उस बात को। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, विकी को भूल जाओ, अपने दिल पर मेरा नाम लिखता हूँ। हट जाओ मेरे रास्ते से। मुझे तेज बिल्लियां बहुत ही पसंद है। याद रखना बॉबी एक बहुत ही खतरनाक चीज है, बचताओगे। इतिहास साक्षी है कि मानव एक संगठनशील प्राणी है जो जीव जंतुओं की भांति अकेला नहीं रह सकता। लेकिन सर इंसान अकेला क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि इंसान की फितरत में अकेलापन नहीं है, एक दूसरे के प्रति स्नेह और प्रेम ही मानवता है। तो फिर दुनिया प्यार करने वालों को बुरा क्यों कहती है? वो इसलिए कि चंद वासना के मारों ने प्यार को बदनाम कर रखा है। प्यार का उद्देश्य अगर बुरा हो तो वो बुरा ही माना जाएगा। क्या नजर जानी। बॉबी ये कैसा मजाक है? मजाक? कैसा मजाक विकी? ये तीर किसने फेंका? किसी दिल जले ने। बॉबी मैं पूछ रहा हूँ ये किसने फेंका? अरे यार मैंने तो नहीं फेंका, शायद इसने, तूने फेंका क्या? तेरी विकी, इसे हाथ मत लगाना, ये मेरा आदमी है। ये सारे फसाद की जड़ तुम हो। विकी ये मत भूलो कि मैं इस कॉलेज का जीएस हूँ और तमीज से बात करो। अबे तुझे जीएस कहते हुए मुझे शर्म आती है। शराब, आखिर तुम इतना उछल क्यों रहे हो? ये लगती क्या है तुम्हारी? बताओ क्या लगती है? बोलना। Stop it, Vicky. Cool down. Stop it. ये क्लासरूम है कि मछली बाजार? लेकिन सर आपको पता नहीं है, अगर शांत नहीं बैठ सकते तो आप लोग बाहर चले जाइए। हाँ विकी, लेक्चरर सही कह रहे हैं। हाँ विकी, इससे बात करेंगे तो हम लोग भी बदनाम हो जाएंगे। चल प्रिंसिपल साहब से कंप्लेंट करते हैं। ओह प्रिंसिपल, चलो। हाँ हाँ चलो चलो सर सर सर। विकी
मैंने कितनी बार कहा है स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स लेकर मेरे पास मत आया करो, वो जीएस का काम है। मैडम अगर कॉलेज का जीएस खुद क्लास को डिस्टर्ब करे तो हम कंप्लेन किसको करें? क्या बॉबी खुद ऐसा करवाता है? हाँ मैडम, क्लास में बॉबी और उसके साथी मिलकर उधम मचाते हैं, किसी को पढ़ाई नहीं करने देते और कुछ कहो तो मारपीट पर उतराते हैं। मैडम अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्द इस कॉलेज का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। विकी माइंड योर लैंग्वेज। आप मेरी आवाज को दबा नहीं सकती मैडम, क्योंकि मेरी आवाज सारे स्टूडेंट्स की आवाज है। खामोश। अरे मैडम हम यहाँ पढ़ने आते हैं और जब यहाँ पढ़ने ही नहीं दिया जाता है तो फिर कॉलेज जाने का क्या फायदा है? ठीक है मैं आज ही बॉबी को बुलाकर समझाती हूँ। यू मे गो नाउ। थैंक यू मैम।